विगत 2 सितंबर की रात ही कुसमिक में पदस्थ नायब तहसीलदार लवलेश मिश्र पर धारदार हथियार से सिर पर हमला कर घायल कर दिया गया था, जिन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया था, जिनका इलाज वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा था। वहीं अब हालत में सुधार न होने पर आज चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर के मेदांता के लिए तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं उपाधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह की उपस्थिति में भेजा गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला व उपाधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह से जानकारी के अंश। हाँ, इनको मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है जिससे और अच्छा इलाज इनको मिल सके। अभी हालत इनकी स्टेबल है। हमारे यहाँ ऑपरेशन किया गया था इनका, एयर एम्बुलेंस आ गई है इनकी, उससे इनकी शिफ्टिंग की जा रही है। पिछले दिनों जो घटना हुई थी कुसमी तहसीलदार का, उन्हीं के मेडिकल सुधार के लिए मेदांता हॉस्पिटल इंदौर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस आ गया है हवाई पट्टी में, उसी के तहत एम्बुलेंस से अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है चोरहटा हवाई पट्टी के लिए, और चोरहटा हवाई पट्टी से वो इंदौर मेदांता हॉस्पिटल के लिए चले जाएंगे।